प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक न्यू वोटर कार्ड बनाने के लिए 2024 में आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि वोटर कार्ड से लेकर के आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपका न्यू वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा है, वोटर कार्ड में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, PVC वोटर कार्ड ऑर्डर किया है आपने लेकिन वो आपके पते पर नहीं पहुँच पा रहा है, वोटर कार्ड के लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, यानी कि वोटर कार्ड से लेकर के आपको कोई भी शिकायत है, तो आप उसकी कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे दर्ज कर सकते हैं ताकि आपका वोटर कार्ड का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको 6 से 10 दिन के अंदर सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो यदि आप एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले हैं या CAC VLE हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यदि आप एक जनरल पब्लिक हैं तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप सारे प्रोसेस को समझ पाएंगे, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वोटर कार्ड के इस ऑफिशियल साइट पर आपको आ जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ताकि इस पोर्टल पर काम करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उस वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया कि आप अपना अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वेबसाइट की सबसे नीचे आपको आ जाना है, पूरा नीचे स्क्रॉल करके इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा और आपका वोटर कार्ड का नंबर बताइएगा, रेफरेंस नंबर बताइएगा, और आपके वोटर कार्ड में जो भी प्रॉब्लम है वो आप उन्हें बता दीजिएगा, तो आपका जो काम है वो जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। सेकेंड जो है पर स्टेप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं complaints@ECI.gov.in, यानी कि आपको मेल आईडी मिल जाएगा स्क्रीनशॉट के साथ, पूरा जो डिस्क्रिप्शन है लिख दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, रेफरेंस नंबर के साथ वोटर कार्ड का नंबर वगैरह सब अटैच कर दीजिएगा और प्रॉब्लम बता दीजिएगा, तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर जल्दी होने का संभावना है। ये दो स्टेप्स फर्स्ट टाइम आप यूज कीजिएगा, ठीक है। यदि आपका काम यहाँ से ना बने तो एक लास्ट उपाय है जो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का सबसे ऊपर आ जाइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर कंप्लेंट, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना जो कंप्लेंट का स्टेटस है वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्या क्या क्वेश्चंस होना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली जो भी आपका कंप्लेंट है आप उसको रजिस्टर करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉग इन हो जाना है, कंप्लेनियंट है यानी कि जो शिकायत कर रहे हैं वो दिख जाएगा, उनका EPIC नंबर यदि आपने ऑलरेडी डाल रखा होगा प्रोफाइल में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर यदि आपने डाल रखा होगा तो दिखेगा, अदरवाइज ये खाली दिखेगा। सबसे पहले आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस स्टेट के कौन से जिले में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका असेंबली कौन है यानी कि आपका कौन सा विधानसभा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर कंप्लेंट, यानी कि नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। देन रजिस्टर कंप्लेंट में भी वापस से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और असेंबली को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो कैटेगरी में इलेक्टर रोल पर जाएंगे तो आपकी जो कंप्लेंट होगी, जैसे कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, कि नहीं फेक इलेक्टर के बारे में कंप्लेन करना है, नाम सुधार नहीं हो पा रहा, ये सब से लेकर के आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं EPIC, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका आधार लिंक है या नहीं, डैमेज हो गया आपका EPIC कार्ड, आपके एड्रेस पर वोटर कार्ड नहीं पहुंचा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पर है, आप नीचे में आइएगा अदर्स, देन यहाँ पर आप सब कैटेगरी में भी डाल दीजिएगा अदर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर सब कैटेगरी आपका प्रॉब्लम क्या है, अदर सब कैटेगरी, ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है, आपका वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा है, जो भी शिकायत है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा सब्जेक्ट के तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट कंप्लेंट, आपको 5000 कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं, तो आप अपना कंप्लेंट ऐसे दर्ज कीजिएगा, मतलब ऐसे लिखिएगा कि आगे वाला जो भी बंदा इसे पढ़ेगा वो समझ जाएगा। एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चला जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सब यहाँ पर आपको नॉट अलाउड है, ठीक है। देन यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि रेफरेंस नंबर आपके पास है या कुछ स्क्रीनशॉट आपके पास है जो आप दिखा सके एज ए प्रूफ के तौर पर, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं PDF में, JPG में, PNG में, जिसकी साइज 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट का बटन आपको मिल जाएगा, आप इस सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका जो कंप्लेंट नंबर है यानी कि रेफरेंस आईडी है वो आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा। सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां पर देख सकते हैं व्यू करने से आप ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पर आ जाइएगा, तो आपका जो कंप्लेंट आईडी है, कैटेगरी है, आपने कब कंप्लेंट किया है, वो डेट,
और स्टेटस इसका क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन है, यानी कि ये अभी तक बंद है। इस पर कार्रवाई होगा, यदि ये शॉर्ट आउट हो जाएगा तब इसे क्लोज किया जाएगा। कंप्लेंट को देखने के लिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं व्यू कंप्लेंट, तो जो हमारा कंप्लेंट है ये यहाँ पर शो हो रहा है, अभी रिसीव हुआ है, प्रोसेस में जाएगा, रिसोल्व होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। इस ग्रीवांस के पोर्टल से यदि आप कोई भी कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो बिटवीन 10 दिन के अंदर जो आपका प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।